हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। बाल बहुत बड़े हो गए हैं यार, आज बाल कटवाने। सबसे पहले तो रोहित जा रहा है अपनी ऑफिस। रोहित अभी जा रहा है ना, ड्यूटी टाइमिंग चेंज हो गई अब इनकी, क्योंकि लॉकडाउन हट चुका है। अब ये जाएगा 2:30 बजे से, रात के 11 बजे आएगा अब ये। तो मैं भी जा रहा हूँ अभी, सबसे पहले बाल कटवाते हैं। मैं इतने बड़े बाल आज तक कभी नहीं रखे यार, फर्स्ट टाइम इतने बड़े बाल हो गए मेरे। तो आज बाल कटवाते हैं सबसे पहले जाके, फिर नहाते हैं, फिर दिन की करते हैं शुरुआत। और टाइम हो चुका है 2:12, अभी गुड मॉर्निंग हुई है। सो गाइस, मैंने बाल कटवा लिए हैं, अब बाल ठीक है यार, छोटे और बड़े बड़े बाल वैसे भी टूट रहे थे। और यहाँ का जहाँ हम रहते हैं, इसका पानी बहुत खराब है। हितेश भाई के बाल देख सकते हो, आगे से पूरा गंजा हो चुका है हितेश भाई। अरे वो जेनेटिक ही ऐसे है। नवीन आ चुका है अभी, आया 6 बजे, आज जनरल शिफ्ट चली है इसकी। हमारे रूम पर हमारे साथ एक भाई आया है, हमारे न्यू मेंबर जुड़ चुके हैं हमसे, और उनकी भी जॉब लग गई है कंपनी में हमारे साथ ही। मेरी तो नहीं है, मतलब नीतीश और रोहित के साथ ही जॉब लग गई है इनकी, उसकी भी। तो वो अभी सो रहा है, दूसरे रूम में है। तो अभी चलेंगे बाहर घूमने, तो मिलवाते हैं भाई से भी आपको। और बाकी बाल कैसे लग रहे हैं? छोटे हैं बाल यार, बहुत टूट गए थे यार। मेरे को लग रहा था कभी बस 6-7 महीने में गंजा ना हो। तो तुम भी बोलोगे भाई, ये 6 महीने पहले क्या था, टकला हो गया बंदा। टी शर्ट नहीं लेके आया था रोहित की है, मैं भी डाल लेता हूँ, साइज सेम ही आता तीनों भाइयों का। बाकी अब बाहर चलेंगे घूमने, तो भाई से मिलवाएंगे, और मौसम भी अच्छा है तो वॉकिंग पे चलेंगे। ठीक है, अभी कहाँ जा रहे हैं? पेंट हॉस्पिटल वाली गली में। पेंट नहीं, वॉल पुट्टी लेनी है हमें। थोड़ी जो नया रूम लिया है ना, उसकी दीवार थोड़ी खराब है, तो वॉल पुट्टी देख रहे हैं अभी। और ये पीछे तरुण है, कहाँ है दुकान? है दुकान आगे है, देखते हैं कहाँ मिलेगी। पीछे बताया हमें कि यहीं पे है, पूछ लो फिर। पूछेंगे ना, अभी कोई दुकान नहीं दिख रही हमें यहाँ पे। मिली तो है एक पेंट की दुकान, तो अभी यहाँ पता करते हैं मिलेगा नहीं मिलेगा। वॉल पुट्टी लेनी है हमें, अगर स्प्रे पेंट मिल जाए तो बेस्ट है, फिर तो दिल्ली जाने की कोई लोड ही नहीं हमें। ठीक है, 1 kg वॉल पुट्टी मिल गई है, और स्प्रे पेंट नहीं मिला, और ना ही डिस्टेंपर था, है ना नवीन? काम तो चली जाएगा अपने इसमें। अरे 1 kg बहुत है, थोड़ा सा तो एरिया है, और क्या तो दिखा रखे हमने दीवार। अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो ले लेंगे, पास में ही है दुकान अंकल की है। पुट्टी पहले कर चुकी है पास में, पुट्टी पहले करनी पड़ेगी ना, क्योंकि फिर एकदम से अगर स्प्रे करेंगे कैसे, वो चाहिए उसके लिए तो लोहे की होती है, वो क्या बोलते हैं उसको, पत्ती, पत्ती लोहे की पत्ती। यार हितेश, तू अपन तू डॉग लवर है, तू समझा ना कुत्तों को, ये गाड़ियों के पीछे से भागते रहते हैं। अब मेरी बात सुन, अब मेरी बात तो सुन। मैंने तेरे को भी समझाया था ना, तू भी मत भागा फिर गाड़ियों के पीछे। अब वो गाड़ी वाला रुकेगा तो वो पीछे हट जाते हैं, बाइक वाला रुकेगा तो वो पीछे हट जाते हैं। तो क्या है ये, समझा ना, क्या फैक्ट है ये, पता क्यों भागते हैं वो पीछे, क्या फैक्ट क्या है, वही तो पूछना चाहता हूँ मैं, वही तो जानना चाहता हूँ। टायर मिल जाता है ना, गलत बात, क्योंकि ना किसी दूसरे कुत्ते ने ना उस गाड़ी के टायर पे सूसू सूसू किया होता है, ठीक है, तो उसकी स्मेल उसको आ जाती है। अब तू समझ रहा है, वो वहां से कनेक्शन जुड़ता है उनका। तुझे बड़ा पता है, अरे ऐसे ही है। ऐसे से फैक्ट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रोबी मडाट व्लॉग्स को। तो गाइस, ये है तरुण, हमारा न्यू रूम मेंबर। हेलो गाइस, तो ये करनाल से ही है, और हमारे अंकल का लड़का है ये, तो इसकी भी जॉब लगी है यहीं पे, रोहित के साथ है शायद। रोहित के साथ ही है ना, तुम्हारे साथ तो नहीं फिलहाल, प्लांट है अलग अलग, तो इसकी रोहित के साथ लगी है आई थिंक, अभी फिलहाल कंफर्म नहीं हुआ, कल कंफर्म हो जाएगा पक्का। तो ये अब हमारे साथ ही रहेगा, तो अब आपको वीडियो में तरुण भाई भी हमारे नजर आते रहेंगे, ठीक है। कल इनकी वेट कर रहे थे हम, बोल रहे थे ना सीपी में, तो एक भाई आ रहा है हमारा, तो उसकी वेट कर रहे हैं, तो ये शाम को लेट चले थे, तो इनकी वेट कर रहे थे, तो ये आया। फिर वहाँ पे सब दुकानें बंद हो चुकी थी, जो भी हमें सामान लेना था वो मिला नहीं था, तो फिर सीधा रूम पे आए, बस लेट हो गए थे, 12 बज गए थे रात के, खाया पिया बस सो गए। सोए भी लेट थे यार, सोए तो बहुत लेट थे यार, व्लॉग मतलब एडिट करना होता है ना। वो उसकी सुन, सुबह के 8 बजे मैं सोया था, सुबह के 8 बजे ये बोल रहा था यार, सुबह के 8 बजे इसको, ये तो सुबह 8 बजे अपना ऑफिस जाता है यार, ये एक नंबर का झूठा बंदा है, कोई बात नहीं। अरे बस करो भाई, इनका यही है, जहाँ भी लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। घूमने आया ना, आराम से घूमो, देख रहे हो अभी लड़ाई बज रही थी, अभी प्यार हो गया दोबारा, ऐसे ही इनका चलता रहता है। सो अभी मैं साइड में हूँ, और वो अपना वीडियो शूट कर रहे हैं, फोटो वगैरह जो भी क्लिक कर रहे हैं। तो मैं बाकी यार, मैंने सोचा था हमारे रूम पे तो हवा लग रही थी अच्छी, बढ़िया थी, पर यहाँ पे तो मज़ा ही नहीं आ रहा कुछ भी, घुटन सी महसूस हो रही है, सफोकेशन सी हो रही है, पसीना वैसे आ रहा है। बाकी एक बिल्डिंग दिखाता हूँ आपको, ऐसा लग रहा है जैसे गिरने वाली हो, है ना।
एरोप्लेन बहुत घूमते हैं यहाँ, 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद एयरपोर्ट है ना यहाँ पे पास में, दिल्ली है ना, तो इस वजह से दिल्ली से उड़ती रहती है फ्लाइट्स। अब ये पोज डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कौन से पोज में फोटो क्लिक करानी है, क्या थंबनेल क्या होनी चाहिए, ये दिखाना हमें भी थोड़ा पास है। चले एक दो मेरी स्टेटस बुलाने खातर भी हो, मतलब अलग से एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा भाई? अरे नॉर्मली नहीं, नॉर्मली नहीं नवीन भाई, एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। और ये क्या क्या डाल लिया तूने गले में? क्या खा रहे हैं? जलेबी। जलेबी खा रहे हैं, रोबी खाएगा, दो दो तीन तीन जलेबियां खाएंगे फिर चलते हैं। ओए ओए गुलाब जामुन जलेबियां, क्या बात है। आपका आपका फेवरेट कौन सा इनमें, जलेबी है गुलाब जामुन है, हैं दोनों? कैसी है जलेबी? स्टार्टिंग में टेस्टी लगती है। अच्छा, थोड़ी खट्टी है। खट्टी है? हल्की सी खट्टी है, चाटनी का जैसा फील हो रहा है इसको। खट्टी है जलेबी तो खा ली यार, मजा नहीं आया। पर खट्टी जलेबी यार, खट्टी जलेबी फर्स्ट टाइम खाई मैंने भी। बालाजी बैंड सका नहीं, पता नहीं था, बट ताऊ इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे कि मस्त जलेबी बढ़िया है, पर खाई खाने के बाद पता चला कि खट्टी जलेबी ऐसे रख के आ गया, मजा ही नहीं आया यार, मूड भी खराब हो गया यार जलेबी खा के ना, मूड खराब हुआ। मतलब अब हम सोच रहे थे कि रूह अफजा पी लेंगे, पहले दिख जाता रूह अफजा पी लेते, चल अब तो क्या। अब हम रूम पे पहुंच गए और थक गए हैं यार, इतनी दूर वैसे निकल गए थे बस घूमते घूमते, पता ही नहीं चला बहुत ज्यादा कितना किलोमीटर चले गए थे नवीन? कम से कम भी 10 किलोमीटर चले। हाँ, 10 किलोमीटर के आसपास तो चले गए होंगे हम। और अब आए हैं तो आज वैसे हमने लौकी की सब्जी बनाई है, कभी बनाते नहीं है पर आज बहुत दिनों के बाद लौकी की सब्जी बना दी, पहली बार ही बनाई है हमने रूम पर, मैंने और तरुण ने वो पहले बना दी थी। और अब हितेश भाई हमारा आटा बना के गया है, मैं और नवीन बना रहे हैं रोटियां। अभी नवीन बेलेगा, मैं उसको सेकूंगा, गोल रोटियां बनाता है लड़का। तो रोटी खाते हैं, डिनर करते हैं, देन फिर मिलते हैं। सो गाइस हमने खाना खा लिया है अभी, और अभी हमारे लिए कुछ मीठा आ रहा है। मीठे में क्या है नवीन? पता वो पता नहीं है, सरप्राइज है, वो कंपनी से लेके आएगा प्रिंस। प्लेट ले देना तो गाइस जिसका बेसब्री से इंतजार था, पूरे 6 दे रहे हैं, मैंने भी देखा टोटल 6 है, जल्दी निकाल के दो यार, क्या है दे दो भाई। अब ये लीजिए सर, क्या है भाई ये? आई डोंट नो व्हाट इज दैट, गुलगुले हैं मीठे। अरे गुलगुले कुछ इस टाइप से ही है यार, नमक है यार, ये तो मीठे थोड़ी ना है, वैसे है टेस्टी यार। अब पता लगा थोड़ा थोड़ा टेस्ट आराम से आया, तो इसके साथ एक चटनी थी, तो हमने हमें लगा कि वो वेस्टेज है, मतलब ऐसे ही है वो। तो एक दोस्त ने हमारे पास भेजा है, ठीक है सामान खाने के लिए, हमने खा लिया सारा, और एक अलग कटोरी में कुछ था, हमें लगा टाइप, मतलब हलवा लगा, इसने वो फेंक दिया यार, बाद में खाने की, इसने वो फेंक दिया ये, और मेरे को पता था वो चटनी है, और हम इसको बताया ऐसे ही खा रहे हैं पानी के साथ, गुटक रहा है इसको ये। पोपट हो गया अपना तो। सो गाइस करते हैं आज के व्लॉग को यहीं पे समाप्त, आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, व्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैं और प्रिंस इस वाले रूम में सो रहे हैं क्योंकि हमें एडिटिंग करनी है और उनको सोना है, तो शिफ्ट है जल्दी, तो वो वहाँ सो रहे हैं, हम दोनों अब यहाँ सोएंगे, मुझे करनी है एडिटिंग और प्रिंस को भी कुछ काम करना है अपना, तो इस वजह से हम दोनों भाई इस रूम में सोएंगे। तो मिलते हैं गाइस जल्दी न्यू ब्लॉग के साथ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।